अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं छोटा सन्यासी हकीम रिजवान अहमद चौहान, आज मैं आपको कुश्ता फलाद बनाने का आसान तरीका बता रहा हूँ। अक्सर लोग हमें मैसेज करते हैं कि हकीम साहब, कुश्ता फलाद बनाने का कोई आसान तरीका बताओ। ये वो तरीका है जो हमारे सन्यासी ख़ानदानों से चला आ रहा है, हम भी बना रहे हैं और आप भी बनाएं, बेहद रिजल्ट मिलते हैं। इस कुश्ते फलाद के फ़ायदों का तो आपको पता है कि ये जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कुश्ते फलाद बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये अगर किसी आप कोई कुश्ता या नुस्खा बनाएंगे तो उसमें लिखा हो कि कुश्ते फलाद डालो, तो आप इसे डाल सकते हैं और बाज़ार से नहीं ख़रीदें। दोस्तों, कुश्ते फलाद बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और आप नोट फरमाएं। हीरा कसीस, साफ सुथरा डलियाँ एक पाव ले लें। इसको सफ़ू बनाकर लोहे की कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर रखकर लकड़ी से घुमाते रहें। जब ये सुर्ख रंग का हो जाए तो इसे उतार कर एक खलर में डाल दें। जब ये सुर्ख हो जाए तो फिर इसे उतार लो। एक पाव कुंवार बूटे का गोदा लेकर इसमें शामिल करो, फिर 10 मिनट के लिए इसको खरल करो। इसको खरल करने के बाद 50-50 ग्राम की इसकी इतनी इतनी टिकियां बनाओ, फिर इन टिकियों को साय में खुश्क करो। और जब ये खुश्क हो जाए तो इनको एक मट्टी की हांडी में डालकर ऊपर 2 इंच की मट्टी से खूब गिल हिकमत करो। इसको फिर धूप में खुश्क करो। और जब ये खुश्क हो जाए, अब आप ऐसा करें, ज़मीन में थोड़ा सा खड्डा खोद लें, 5 किलो पत्थर के कोयले लेकर 5 किलो पत्थर के कोयले ले लें और इतना एक गड्ढा खोद लें छोटा सा, और आधे कोयले उसमें रख ले ऊपर, फिर वही हांडी रख कर बाकी के आधे कोयले फिर उस हांडी के ऊपर रख ले। दोस्तों, इसको पेट्रोल डालकर आग लगा दे। वैसे ना ये काम आप रात को करिए ताकि सुबह तक जो है ये ठंडा हो जाए और आप इसे अच्छे से निकाल लें। जब ये सुबह ये आग ठंडी हो जाए तो इस हांडी को निकालें और हांडी को ऐसे ऐसे से तोड़ें ताकि फौलाद में ये मिट्टी ना मिक्स ना हो। अब इसके अंदर सुर्ख कलर का एक फौलाद होगा और अब आप उसको निकाल कर एक खाली साफ बर्तन में रख दें। अब आपने इसको आधा घंटा खरल करना है। ये दोस्तों, ये वही फौलाद है जो आप बाज़ार से महंगा ले आते हो। अब जिसको भी जिगर में गर्मी है, मसाने में गर्मी है, पीलिया है, एक रति सुबह निहार मुँह मक्खन में, दही में, मलाई में, अब आप ये जिसको भी 7 दिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उसे खिलाएंगे, अब उसके मसाने में गर्मी नहीं रहेगी और ना ही जिगर में। दोस्तों, ये नुस्खा मैंने आपको सन्यासी हकीमों के दिल का राज बताया है। अब हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। अगर आपको कोई स्टेप के बारे में पता ना चला हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको व्हाट्सएप पर इस नुस्खे के 1 by 1 स्टेप व्हाट्सएप पर भी बताएंगे। ये नुस्खा आप बनाएं, फ़ायदा उठाएं और मेरे उस्तादों के हक में भी दुआ करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।